बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस सेशन में वी वर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट इन द लेबलिंग पैकिंग रूल्स व्हिच वर डिवाइस इन द ट्रूथ इन द ईयर 2017 एंड वी वर डिस्कसिंग द सब रूल 3। वी आर अबाउट टू डिस्कस इट। ओके, अच्छा, जो कुछ हमने डिस्कस किया था, अब ये बात आ रही है कि ये रूल रूल कहलाएगा, सब रूल कहलाएगा। क्लियर करें जरा मुझे, ये 3 क्या क्या होगा? ये रूल है या सब रूल है? अरे भाई, कुछ पूछा है? सर आई थिंक ये सब रूल होगा। सब रूल बिल्कुल सही है, ये सब रूल ही है। ब्रैकेट में है ना, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ब्रैकेट में, ठीक है, ये सब रूल है, सब रूल 3। अब सब रूल 3 इज एड्रेसिंग के अब ये डेटा मैट्रिक्स तो है ना, डेटा मैट्रिक्स से डेटा कुछ ना कुछ आएगा, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अब ये बता रहा है क्या क्या कुछ स्टोर करोगे इसके अंदर। लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी होनी चाहिए या उसके अलावा कुछ और देना है, वो क्या कुछ होना चाहिए, वो उन्होंने कह दिया कि फॉर्म ए में हमने इसके लिए फॉर्म ए से रुजू कर लें। फॉर्म ए जो इन रूल्स के साथ अटैच किया है, अपेंड किया है हमने, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। फॉर्म ए को थोड़ी देर के लिए जरा देख लेते हैं हम। इधर ही होगा फॉर्म ए, दिस इज फॉर्म ए। अब यहां पर ये बात आ रही है कि फॉर्म ए में ये इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो कि आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर किया। अब ये इसको देख लेते हैं ना, मैंडेटरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू बी एम्बेडेड इन द 2D डेटा मैट्रिक्स। क्या क्या होना चाहिए कि आप आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन से इस्तेमाल करो, GTIN। अभी डेफिनेशन में देख लेंगे, टेक्निकल चीज़ है, इसको हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो तो भी कोई मसला नहीं है। ओवरऑल थीम पता होनी चाहिए, इसमें एक्सपायरी डेट मौजूद होनी चाहिए, बैच या लॉट नंबर मौजूद हो, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब बैच नंबर वगैरह होगा, सीरियल नंबर, सीरियलाइजेशन, ये क्या चीज़ है, इसको अभी सीरियलाइजेशन आती है उसमें देख लेते हैं। ये चीज़ें उस बार कोड के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, ठीक। अभी तक फिर फिलहाल हम इतना ही रख रहे हैं। वैसे फॉर्म ए में चलो अभी कर लेते हैं। फॉर्म ए के 2 से 3 हिस्से। पहले पार्ट में ये कि जो लेबल के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हो 2D कोड, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ये है। दूसरा ये कि इस कोड के हवाले से आपके कंपनी डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, मतलब आप अपने पास क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करोगे ताकि कभी आपका ये कोड उठता है मार्केट से तो आप उसको मैच कैसे करोगे। कॉपी तो कोई भी कर लेगा ना, कॉपी कर लिया, आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई आपने उधर कोई की रखी हुई होगी, वो की इससे लिंक करेगी तो आपके पास जो डेटाबेस मेंटेन करोगे वो ये वाला होगा जिसमें ये 9 पॉइंट्स हैं। और इसे आप ना सिर्फ ये कंपनी डेटाबेस से मेंटेन होगा बल्कि इसे ड्रैप को भी आप कम्युनिकेट करोगे, ड्रैप के डेटाबेस में भी जाएंगी ये सारी चीज़ें। और सी में मैंडेटरी कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देगी ड्रैप को, ड्रैप का अपना डेटाबेस होगा। तो ये 3 चीजें हो गई हैं। एक ड्रैप अपना डेटाबेस बनाएगी जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये चीजें 5-6 पॉइंट्स हैं, ये एड्रेस और नाम कंपनी का वगैरह वगैरह। दूसरा डेटाबेस होगा जो कि कंपनी मेंटेन करेगी प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट के डेटाबेस की बात आ रही है, जो कंपनी भी मेंटेन करेगी, कंपनी मेंटेन करने के बाद ड्रैप को कम्युनिकेट कर देगी, ठीक है। सी में क्या बात हो रही थी, सी में बात हो रही थी ड्रैप कंपनी की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही है, और ए में बात हो रही है उस इंफॉर्मेशन की जो आप लेबल पे प्रिंट करोगे, ठीक है। तो फॉर्म ए अब जब जब आएगा इसमें तो हम दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि 3 पोर्शंस हैं, एक वो डाटा है जो लेबल पर जाएगा, एक वो डाटा है जो कि कंपनी मेंटेन करेगी प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, एंड दैट विल बी सब्सिक्वेंटली बी ट्रांसफर टू कम्युनिकेटेड टू द ड्रैप। और तीसरा डेटाबेस वो होगा जो ड्रैप कंपनी के बारे में स्टोर करेगी, ठीक। ये समझते हुए फिर हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे सब रूल 3, इसमें सिर्फ इतनी बात हो गई। सब रूल 3 के बाद फिर हम आ रहे हैं सब रूल नंबर 4 पे। सब रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि सीरियलाइजेशन यूजिंग रैंडम नंबर्स फॉर कंप्लीट ट्रैक एंड ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम इन द फॉर्म फॉर्म ए प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग पे, ठीक है। अभी सीरियलाइजेशन क्या चीज़ है, सीरियलाइजेशन मुझे नहीं पता। अच्छा चलो प्रोवाइडेड के साथ पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड के साथ उन्होंने कह दिया कि ये ऑप्शनल है और कम से कम 2 साल तक तो जरूरत नहीं है। ये रूल कब आया था, मई की कोई तारीख थी 2017,
दो साल गुजर गए आज की तारीख में, जब हम इसे 2020 में डिस्कस कर रहे हैं, दो साल गुजर गए, तो इसका मतलब है कि अब सीरियलाइजेशन भी इस GS1 डेटा मैट्रिक्स से मौजूद होगी। अब सीरियलाइजेशन क्या चीज है, गो टू द डेफिनेशन। सीरियलाइजेशन कहाँ होनी चाहिए, कहीं आगे पीछे तो नहीं चले गए हम, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किया इन्होंने। अगर डेफिनेशन में नहीं होगा तो भाई मुझे भी नहीं पता सीरियलाइजेशन क्या होती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग सीरियल नंबर ऑन द लेबल। अब सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर ये रहा, सीरियल नंबर रैंडमाइज्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स दैट मे रेंज फ्रॉम 12 to 20 कैरेक्टर, इट मे बी ए कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड नंबर और पार्टली रैंडमाइज्ड एंड पार्टली शोइंग नंबर्स इन सीरीज। ये इसको हम इस तरीके से देखें कि सीरियल नंबर होंगे जो आपने आइडेंटिफिकेशन का नंबर दिया हुआ है उस प्रोडक्ट को। रैंडमाइज नंबर क्या होते हैं, आप लोगों ने कैलकुलेटर, सबने साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा तो वहां पर रैंडम नंबर का एक बटन जरूर मौजूद होता है, यूज किया है ना, यहाँ पर यस नो मुझे चाहिए, ठीक है, उस पर रैंडम नंबर का भी ऑप्शन होता है। आप जब जब उसे प्रेस करते हैं ना, आप लोगों के पास तो स्मार्टफोन्स है ना, हमारे पास खेलने के नाम पर एक कैलकुलेटर होता था, इसी पे जितने फंक्शन थे एक्सप्लोर कर रहे होते थे। तो रैंडम नंबर के बटन को आप प्रेस करते हैं ना, हर दफा नया नंबर आता है। और अभी तक अगर क्लास, अगर फिजिकल क्लास हो रही है तो मैं इसी रैंडम नंबर को यूज करते हुए रोल नंबर कॉल आउट करके क्वेश्चंस करता हूँ, बचे में किस्मत अच्छी है आप लोगों की। तो बारे रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर से आप सीरियलाइजेशन करते हैं, सीरियलाइजेशन से ये होगा, रैंडम नंबर से ये होगा कि आपको भी नहीं पता कि अगला नंबर क्या आने वाला है। तो जब आपको नहीं पता होगा तो फिर कहीं से कोई ऐसी चीज, कोई रिकॉर्ड इस तरीके का मेंटेन नहीं होगा कि कोई लिंक कर सके, कोई कोई गैस कर सके कि अगला नंबर क्या होगा, तो एक कॉपी करना मुश्किल होगा, इसलिए रैंडम नंबर को यूज किया है सीरियलाइजेशन के लिए। और ये सीरियलाइजेशन कहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी सीरियलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग पर आएगी, इससे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन आसान होगी। अच्छा, फाइव में क्या बात कर रहे हैं, फाइव में अब ये बार कोड लेबलिंग प्राइमरी और एंड SSC प्राइमरी पैकिंग एंड SSC ऑन टर्शरी पैकिंग, इसको भी कह रहे हैं कि ये 2 साल तक रिलैक्सेशन है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसको जितना जल्दी इंप्लीमेंट करते फिर आप करना चाहें तो इसे इंप्लीमेंट कर दें। अब यहाँ पर बात आई है प्राइमरी पैकेजिंग की और टर्जरी पैकेजिंग की, फिर इसमें अगले वाले में जो पहले जो था इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, यहाँ पर बात हो रही है सीरियलाइजेशन की और यहाँ बात हो रही है बारकोड लेबलिंग की, ठीक है। सिर्फ रिकॉल करने के लिए मैं कह दूं, यहाँ पर हमने देखा कि आपको लेबल पर 2D या 1D बारकोड छापना है, ओके। यहाँ पर सिर्फ इसकी डिटेल डिस्कस हुई, क्या क्या होना चाहिए, टेक्निकल डिटेल क्या होगी वो आपने रूल सब रूल 3 में आपने डिस्कस कर लिया कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या चीजें होंगी, क्या क्या मौजूद होगी इन्फॉर्मेशन। 4 में अब आप कह रहे हैं कि जो सीरियलाइजेशन है शिपिंग वगैरह के हवाले से, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग पर 2 साल तक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर बात हुई सीरियलाइजेशन की, और 5 में बात कर रहे हैं बार कोड की, प्राइमरी पैकेजिंग और टर्जरी पैकेजिंग पर 2 साल तक रिलैक्सेशन है। अब प्राइमरी टर्जरी की बात कर ली, सेकेंडरी कहाँ जाएगा, शायद इसमें प्रोवाइडेड में हो। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी में पैक नहीं हो रहा और प्राइमरी में डायरेक्ट जा रहा है तो बार कोड की लेबलिंग प्राइमरी पैकिंग पर मैंडेटरी होगी, ठीक है। इसको बस जहन नशीन करने के लिए ये कर लें, 4 में सीरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर रहे हो, और यहाँ पर आप बार कोड लेबलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आप अभी जो हमने बार कोड की टाइप्स पढ़ी थी कि 2D होता है 1D होता है, इनकी बात हो रही है। दोनों में 2017 से 2019 तक रिलैक्सेशन दी हुई है कि आप इस अरसे में अपने आप को एडॉप्ट कर लें और किस डिफरेंट पैकेजिंग लेवल पर है वो आपको मौजूद हो गया। अच्छा, अब फिर ये कह रहे हैं कि चूंकि आपको ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करनी है तो जो सीरियल नंबर, जो सीरियलाइजेशन है वो इस GS1 डेटा मैट्रिक्स में भी आप डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे ताकि, क्योंकि अभी देखे ना जो आप लोगों ने फॉर्म ए देखा था, फॉर्म ए में मुख्तलिफ डिटेल्स थी, आइडेंटिफिकेशन नंबर था, एक्सपायरी डेट थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी, उसमें सीरियल नंबर भी ऐड करना है। इस सीरियल नंबर से ये यूनिक नंबर
होगा, इससे आप ट्रैकिंग कर सकेंगे इसकी शिपिंग की, आप ट्रैकिंग कर सकेंगे शिपिंग की। और इस शिपिंग की ट्रैकिंग के लिए आपको 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया है। ये 3 साल का ग्रेस पीरियड कब खत्म होगा? मई 2019 की बात थी, अभी हम मई 2020 पूरे होने थे, मई 2020 गुजर चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नया SRO नहीं आया बीच में तो ये रिलैक्सेशन भी खत्म हो गई है। इस वक्त शिपिंग को ट्रैक करने के लिए भी बार कोड में सीरियल नंबर मौजूद होना चाहिए, और इससे ऊपर के जो आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी है वो भी अब मौजूद होने चाहिए। तो आज की तारीख में जब आप चीजें खरीदेंगे, ये लेबल देखेंगे, तो इस लेबल के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। ठीक, बाकी फिर ये जनरली ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि बार कोड तरीके से प्रिंट हो, जहाँ पे मिस प्रिंटिंग नहीं हो, वाइट स्पेस हो इसके चारों तरफ, ताकि उसको प्रॉपरली पढ़ा जा सके, स्कैन किया जा सके। फिर ये कि द मशीन और कैमरा और ह्यूमन रीडेबल बारकोड मस्ट अपेयर ऑन द ड्रग लेबल, मतलब इसमें यही वाली बात है कि ये चीजें जो रूल नंबर 3 में मौजूद हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। मशीन या कैमरे रीडेबल हो या बारकोड रीडेबल हो, उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, आप उसको किसी चीज को आप स्किप करेंगे नहीं। और ये बैच मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर या लॉट नंबर के रिप्लेसमेंट टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ। एंड शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इक्विवेलेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग बैच और लॉट नंबर और रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब इन रूल नंबर 3। ये जो चीज कह रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने कहने की कोशिश की थी कि जो, और ऊपर भी लिखा हुआ है जहाँ पर ये 3A शुरू हो रहा है, इसके स्टार्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो कुछ रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है उसे आप नहीं छेड़ेंगे। अब बार कोड प्रिंट करने का ये मतलब कतन नहीं है कि आप इन तमाम रिक्वायरमेंट को साइड कर दें, क्योंकि आप ये कहोगे ना भाई सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटे से बार कोड में आ गई, जिसको देखना हो इसके ऊपर से स्कैन करके देख ले। नहीं, ये मना किया है, बार कोड भी प्रिंट होगा और ये रिक्वायरमेंट भी अपनी जगह पर रहेंगी, क्योंकि एक आम बंदा, हर एक के पास स्कैनर थोड़ी है, आंखों में स्कैनर फिट थोड़ी है कि आप कैसे पढ़ोगे। तो ये उसी चीज पे अलग से जोर दिया गया है। अच्छा, सब रूल नंबर 9, इसमें कह रहे हैं कि ये एप्लीकेबल होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसे जरा देख ले और जहन में रखिएगा, डेट 2017 की बात हो रही है। तो 17 की बात हो रही है क्योंकि 2014 में, 2014 में एनलिस्टमेंट रूल्स आ चुके हैं, ड्रैप की वेबसाइट पर मौजूद होंगे एनलिस्टमेंट रूल। बल्कि चलो आज मैं दिखाई देता हूँ, देख ड्रैप की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। अरे भाई जाओ, स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आप लोगों? अरे यहाँ कोई तो कुछ बोल दे। जी सर, ठीक है, गुड। यहाँ पर आप देखिएगा वेबसाइट तो आपको समझ में आ गई कि मैं ड्रग की वेबसाइट की बात करूँ, DRA.gov.pk। इसमें आप ये बिल्कुल नीचे आइएगा, इसमें ये रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन का पोर्शन होगा। रेगुलेटरी का जो पोर्शन होगा ना, इसमें आप ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट रूल्स। ये एनलिस्टमेंट रूल्स हैं जिसके पास थोड़ा सा खलबली मची थी होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन वालों में कि एनलिस्टमेंट करनी है। ठीक, उसके मतलब, और जो अभी हम लेबलिंग रूल्स पढ़े, जैसे मैंने दिखाया कि कहाँ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना इसको जिसको जरूरत हो, कोर्स में शामिल है इसलिए मैं अभी इतने स्ट्रेस नहीं दे रहा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए कि ये अप्लाई किस पर होगा। 2017 में रूल्स आए हैं, 2014 में एनलिस्टमेंट रूल्स आ चुके हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक ड्रग्स पे तो ये अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल्स पे और ह्यूमन वेटरनरी यूज पे, लेकिन ये अल्टरनेटिव मेडिसिन, हेल्थ और ओटीसी ड्रग्स, न्यूट्रोसिटिकल, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल गैसेस, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पर अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त ये कन्फ्यूजन आई थी कि जब एनलिस्टमेंट हो गई है, एनलिस्टमेंट होने के बाद लेबलिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगे नहीं होंगी, ये कन्फ्यूजन मुझसे चल रही थी। जैसे मजीद यहाँ क्लेरिफाई किया है कि लेबलिंग रिक्वायरमेंट, आप लोगों ने 1986 के भी रूल्स पढ़े थे, 1986 के जो रूल्स थे वो भी एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन पर अप्लाई हो रहे थे, जो नानी आयुर्वेदिक तो ड्रग ही नहीं थी ना, और ये रूल्स ड्रग के हवाले से थे। अब ड्रैप एक्ट जब 2012 में आया, उन्होंने यूनानी, आयुर्वेदिक, इन सबको ड्रग में शामिल कर दिया। तो अगर हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हो, ड्रग एक्ट 1976 में है, तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट इनके ऊपर भी आती। तो एनलिस्टमेंट रूल्स में क्लियर किया और यहाँ पर ये मजीद स्पेसिफाई कर दिया कि ऑल्दो दे आर ड्रग,
लेकिन इस वक्त इनको एनलिस्टमेंट के फेज में रखा हुआ है. तो इस वक्त लेबलिंग की रिक्वायरमेंट जो रूल लेबलिंग पैकिंग रूल 1986 में है या इधर अमेंडमेंट रूल में है वो फिलहाल इन पर अप्लाई नहीं होगी टिल फर्दर ऑर्डर्स. ठीक है. अच्छा, अगेन इसी तरीके से बताया कि कम इनटू फोर्स की बात है कि जो बैच इसके बाद प्रिंट हुए कम इनटू फोर्स फॉर द बैचेस मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 6 मंथ ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट. ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट है. ड्राफ्ट अमेंडमेंट आई है मई की कोई तारीख थी 2017. उसके बाद 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया था कि कमेंट दें वरना इसको नोटिफाई कर देंगे. जून में कहीं ये मई में ही कहीं ये नोटिफाई हो गया. अब उस नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए माने थे दैट वाज 30 मई. इट इज नॉट द ओरिजिनल डेट. आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई एम कोटिंग दिस डेट. तो 30 मई को नोटिफिकेशन आ गया. तो 30 मई से 6 महीने के बाद जो ड्रग मैन्युफैक्चर होगी, क्योंकि इतना टाइम तो आपको भी चाहिए ना अडॉप्ट करने के लिए मैकेनिज्म लगाने की सिस्टम लगाने के लिए कि प्रिंट कर रहे हो, तो 6 महीने के बाद ये बार कोड प्रिंट होना चाहिए. और ऑप्शनल है, मैंडेटरी 2 साल के बाद हो गया. ठीक है. इससे मिलती जुलती चीज आप लोगों ने लेबलिंग पैकिंग रूल्स में पढ़ी थी, वहां पर भी 1 साल का ग्रेस पीरियड आपका मिला था कि 1 साल इंतजार करेंगे, 1 साल के बाद ये रूल अप्लाई होंगे. टाइम था क्योंकि एकदम से आप सब चीजों को खत्म नहीं कर सकते थे. यहाँ पर भी अगर आप ये कहते कि 2 मई 4 मई को आपने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, 30 मई को नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, 1 जून से हर ड्रग पे हर लेबल पर ये होगा, तो नहीं भाई. क्योंकि ये लेबलिंग पैकिंग रूल्स का पार्ट है ना जो कुछ भी है. अब अगर आप रूल्स की सॉरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करोगे तो मिस ब्रांड का चार्ज रख रहा है. तो थोड़ा टाइम देना चाहिए. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पीरियड का टाइम दिया गया कि 6 महीने आपके पास बहुत होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल कर लें. उस समय जब ये रूल आया तो उसमें पाकिस्तान में था नहीं, तो ये बड़ा एक चीज थी. तो अपने दोस्तों से पूछता कि क्या सिलसिला है, तो कहते कि हाँ ठीक है करना तो है. अब जब करना ही है तो मैक्सिमम 2 से 3 महीने में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इंस्टॉल कर ली थी चीजें. कुछ लोग आखिर तक करते रहे कि यार हमारे ये प्रोडक्ट OTC डिक्लेयर करा दो, इसे जो है हर्बल में डाल दो, इसे न्यूट्रोसिटिकल डिक्लेयर कर दो ताकि लेबलिंग रिक्वायरमेंट से बच जाएं. कुछ लोग ये भी करते रहे. आखिर में कुछ अरसे के बाद सबको यही करना पड़ेगा भाई, अल्टीमेटली एनलिस्टमेंट रूल आए में ड्रग डिक्लेयर हुई भी है, बाद में करना ही करना है. तो 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाने से बेहतर है कि 100 प्याज खा लो अभी कर लो. तो फिर ज्यादातर लोगों ने कर लिया भाई. ठीक, यहां तक आते आते मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये रूल्स खत्म हो गए हैं. आगे जो रिक्वायरमेंट है मेरा ख्याल है कि इसमें सच ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मजीद एक्सप्लेन करना पड़े. जो एक्सप्लेन करने की चीजें थी वो मैंने पहले कर दी है. रफली ये बताया था 11 है, बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है जो लिखा हुआ इसमें कि कम्युनिकेट की जाएगी, तो कम्युनिकेशन का बस इन्होंने तरीका बता दिया कि फॉर्म ए में जो इन्फॉर्मेशन है वो शुरू शुरू में आप मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के जरिए भेजें. अब सोचिए ना 1986 में ईमेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब कुछ राइटिंग में हो रहा था. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है. यहाँ पर बस जो खास बात है वो ये है कि ये रूल्स आने के बाद जब आप अपना सेटअप कर लोगे, वही 6 महीने के बाद आप प्रिंट करोगे, तो शुरू में तो आप मैन्युअली आप दो सारा डाटा जो फॉर्म ए में लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्म ए में जितनी इंफॉर्मेशन है, या आप ईमेल कर दो हमें. लेकिन ईमेल भी करोगे ऑफिशियल आईडी से, ऑफिशियल आईडी से, ये जीमेल हॉटमेल ये वाले नहीं, वो जो बनाई भी होती है प्रिंस ऑफ हार्ट और पता नहीं क्या क्या होती है. इस वक्त जो इमीडिएट नाम आया था मैं बोलना भी नहीं जा रहा. ऑफिशियल आईडी से आप करें. और उसके बाद फिर ऑनलाइन सिस्टम बनाने का कुछ कह रहे हैं. कुछ जब भी ऑनलाइन सिस्टम की बात करता हूँ ना तो मुझे अपना LMS याद आ जाता है और बस मूड खुशगवार हो जाता है. तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि भाई एक ऑनलाइन सिस्टम बना देंगे तो बाकी जो बाद में ऑनलाइन सिस्टम ही डेटाबेस में डायरेक्टली आप अपडेट कर देंगे. सिर्फ यहाँ पर ये खास बात की गई है. ठीक है, यहाँ तक हमने इनके जो लेबलिंग पैकिंग के अमेंडमेंट रूल्स हैं जो 2017 में आए थे इनकी एक क्विक रीडिंग ले ली है. किसी हद तक जो मेरी समझबूझ के मुताबिक थे वो एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों से शेयर कर ली. यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस होंगी, इन डेफिनेशंस को आप लोग इस लेवल पर हैं कि आप खुद देख सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मेनली अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह को देख लीजिएगा, या ये जो चीज़ है ना इसे ज़रूर आप देख लें. ये बाद में काम आएगी, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जब फील्ड में जाओगे ना, क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे तो ये सीरियस शिपिंग इंप्लीमेंट हो चुकी होगी. ट्रैकिंग ट्रैकिंग के तरीके इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई, इसको थोड़ा सा समझ लेना. एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? जाग जाओ मुसलमानों. एक बंदा बस मुझे बोल दे कि ओके बोल दे ताकि मैं भी सेशन क्लोज करूं.
स्पीकर ऑन हुआ था, मैंने कहा कोई आवाज आएगी, यस ओके, आवाज ही नहीं आ रही. ठीक है, अच्छा क्या समझो, खामोशी को नीम रजामंदी क्या करूं? कोई सवाल है तो, सवाल है तो कर लें, नहीं है तो ठीक है. मुझे भी अंदाजा है कि मैं खुद भी जो है ना, आंखें मेरी बंद हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले दो बजे मैंने सेशन लिया था इवनिंग का, 4 बजे उनका खत्म किया था, 5 मिनट पहले आप लोग की क्लास शुरू होने से पहले. क्योंकि सवाल है तो काइंडली कर लें, अभी रिदम में हो, मूड में, सवाल का इंस्टेंट जवाब आ जाएगा अगर मुझे पता होगा तो, नहीं तो फिर बाद में छोड़ दें. ओके ओके सर. ओके ठीक है. अच्छा नेक्स्ट सेशन जब भी होता है, टॉपिक आप मुझे अभी डिसाइड करके बता दें काइंडली. काइंडली कोई थोड़ी सी क्विक रीडिंग कर लेना, क्योंकि अब इस लेवल पर आ गए हो, अब थोड़ा बहुत खुद पढ़ सकते हो, अब मुझे सब कुछ नहीं पढ़ने के लिए बोलना. आगे आपके पास ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग रूल, सेल ऑफ ड्रग, दोनों में से कोई एक बता दो क्या पढ़ना चाह रहे हो. या वैसे भी मैंने उसका इंस्पेक्टर की मैंने वीडियोस बना के यूट्यूब अपलोड कर दी है, 2 रह गई हैं शायद, वो भी मैं आज रात तक में कर दूंगा. या इंस्पेक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो आप मुझे बता दें, या यूं कर लें जो आपस में खुद डिसाइड कर लेना, चलो छोड़ो आपस में खुद डिसाइड कर लेना, जो भी डिसाइड करो उसको थोड़ी सी प्री रीडिंग ले लेना, मुझे उसी को बता देना क्या पढ़ना है. ठीक है, ये तो बोल दो कि हाँ ठीक है, ओके सर, ओके हाँ गुड. ये इससे होती है ना मोटिवेशन, मुझे भी लगता है कि हाँ यार मैं अब क्या ग्रुप, मुझे पता, मैं 2:30 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो एक जुमला ना बार बार आके रुक रहा है, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी का, वैसे उनके बहुत सारे डायलॉग हैं, एक वो जो जुमला है ना बस रुक रहा है, मैं अभी भी रोक लिया, मैंने बोलना नहीं चाह रहा. मैं जब आवाज नहीं आती ना, जब आवाज नहीं आ रही होती तो फिर ये होता ना कि यार ये क्या चलते फिरती है, सुना तो आप लोगों ने होगा. बहरहाल ठीक है, ओके नाउ हियर आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, थैंक यू, ओके सर, ओके अल्लाह हाफिज़. थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.